हो तो शुरू करा जाए सर। हाँ शुरू करें। नमस्कार, सर सर नमस्कार। मैं अंशु भारद्वाज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान की ओर से एवं स्वयं अपनी ओर से आप सभी का राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परियोजना घटक दो एवं कास्ट के अंतर्गत स्थापित वर्चुअल कक्षाओं, कृषि दीक्षा वेब चैनल, अन्वेषण केंद्र एवं द्रोण सुदूर संवेदी प्रयोगशाला के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गीत। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन, वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण, शस्य श्यामला छवि भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की। शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत दीपक से निकलने वाला प्रकाश अंधकार, अज्ञान और बुराई को दूर करता है। दीप प्रज्वलन के साथ हम इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा, शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा, शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा, शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदः। सर्वप्रथम मैं श्री संजय कुमार सिंह, विशेष सचिव डेयर एवं सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को स्वागत अभिभाषण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। म्यूट। आदरणीय कृषि मंत्री जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी, आदरणीय सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद त्रिलोचन महापात्रा जी, हमारे साथ में जुड़े हुए विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, आईसीएआर के विभिन्न संस्थानों के डायरेक्टर्स, अधिकारी और डीडीजी, मैं इस कार्यक्रम में जो एनएएचईपी विश्व बैंक के सहयोग से कृषि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में आपको आप सबका स्वागत करता हूं। एनएएचईपी 2017 में प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात पिछले वर्ष 2020 में हमारी नवीन शिक्षा नीति आई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सी चीजें जो हम एनएएचईपी में शुरू से ही कर रहे थे, वो एनईपी में सम्मिलित हैं। तो जो हमारी एक्टिविटी उसके भीतर थी, गुणवत्ता सुधार में, शिक्षकों को की गुणवत्ता के सुधार के लिए एवं तकनीक का प्रयोग करने के लिए, उन सब का
जो समावेश एनईपी ने किया है वो एनईएचईपी के जरिए हम पूर्व से ही करते आ रहे हैं। और उसी कड़ी में 18 जो वर्चुअल क्लासरूम हैं उनका उनके उद्घाटन का यह कार्यक्रम माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा किए जाने के मैं आप सब उपस्थित हुए उसमें आप सबका मैं स्वागत करता हूं। एनएचईपी में बहुत से महत्वपूर्ण अंग हैं। एक बहुत अति महत्वपूर्ण अंग जो जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं और चर्चाएं होती रहती हैं वो है जब विद्यार्थियों का बाहर के विश्वविद्यालयों में जाना और वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करना। मैं माननीय मंत्री जी की उपस्थिति का लाभ लेते हुए एक वृतांत बताना चाहूंगा जो इसका इसी गतिविधि से सम्मिलित है। अभी हाल ही में मैं IVRI में मेरा दौरा हुआ तो वहां जब मैं लैब का निरीक्षण कर रहा था तो एक विद्यार्थी मुझे बिग डेटा के ऊपर कार्य करता हुआ मिला। वो जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी था और बहुत उत्कृष्ट तरीके से कार्य कर रहा। तो मैंने उससे पूछा क्या आपने कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण की है? उसने कहा नहीं, मैं USA में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 माह के लिए एक विश्वविद्यालय में मैं सम्मिलित हुआ। तो वहां से मैंने जो 3 महीने में कंप्यूटर संबंधी शिक्षा प्राप्त की उसके जरिए वो बहुत बिग डेटा के ऊपर वो कार्य कर रहा था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो सकारात्मक प्रभाव इस योजना का हो रहा है वो बहुत ही प्रभावी है। और उसके पश्चात मैंने उस विद्यार्थी से पूछा कि ये बताइए आपकी IVRI में एक वेटनरी में एनिमल साइंसेज में किस किस प्रकार से IT का उपयोग किया जा सकता है। तो उसने बताना शुरू किया। तो मैंने ये निर्देश दिए थे कि वहां पर वो एक पेपर लिखकर डायरेक्टर साहब को देंगे, भी डायरेक्टर साहब उसके उसका परीक्षण करने के बाद में देखेंगे किस प्रकार से उसका अमल किया जा सकता है। तो इस प्रकार की एक बहुत सकारात्मक जो गतिविधियां NAICP के जरिए हो रही हैं और सभी विश्वविद्यालय इस ओर अग्रसर हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। समारोह को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर RC अग्रवाल उपनिदेशक कृषि शिक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय निदेशक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परियोजना से सविनय अनुरोध करूंगी कि वह वर्चुअल कक्षाओं एवं कृषि दीक्षा वेब चैनल के बारे में संक्षिप्त विवरण दें। नमस्कार सर। सर्वप्रथम सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें ये अवसर प्रदान किया और आपके द्वारा इस NAICP की पहले भी कई योजनाएं उद्घाटित हुई हैं। एक बहुत बड़ी योजना सर कृषि मेघ आपके करकमलों से उद्घाटित हुई, लोकार्पण हुआ उसका जो है, और उसी कृषि मेघ को प्रयोग में लाकर आज हम जो आप से हमने जो निवेदन किया है लोकार्पण करने के लिए, जो हम ई वेब चैनल कृषि दीक्षा चैनल जो हम आज उद्घाटित करने जा रहे हैं, हमारे वर्चुअल क्लासरूम जो हम उद्घाटित करने जा रहे हैं, ये सब उसमें समाहित रहेंगे। कृषि मेघ के द्वारा ही उनका प्रयोग किया जा रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पर ये सब रहेंगे जो है। इस वर्चुअल क्लासरूम जो आज हम करीब 4 करोड़ रुपए की मूल्य से हमने 18 कृषि विश्वविद्यालयों में स्थापित किए हैं, और इसके पहले जो एक सामान्य वर्चुअल क्लासरूम थे वो हमने करीब 150 के करीब हमने पहले स्थापित किए हैं। जैसा कि संजय सिंह जी ने भी बताया कि जो हम लोग कार्य पहले से कर रहे थे वो सब नई शिक्षा नीति में भी उतना ही जोड़ दिया गया है, तो हम लोग पहले से ही इसमें सब सक्षम हैं और सब तैयारी कर रहे हैं। और आज आपके द्वारा जो ये लोकार्पित होंगी 2 सुविधाएं और एक IVRI की सुविधा, जहां पर जीनोमिक्स के बारे में स्टूडेंट्स एक जगह पर आकर पूरी रिसर्च कर सकते हैं, जो कि करीब 6 करोड़ रुपए के लागत से हमने बनाई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं छात्रों के लिए, और नई शिक्षा नीति में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पिछले साल घोषित की गई है हमारी सरकार द्वारा, उसमें एक अहम भूमिका ये 3 सुविधाएं निभाएंगी। इसमें जो सर हमारा एक महत्वपूर्ण घटक है इस राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परियोजना का, उसमें हमारे करीब 3 घटक हैं। उसमें एक घटक जो हमारा कास्ट का है, जिसमें हम
एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाते हैं और उसमें हमारा मार्केट इंटेलिजेंस के ऊपर भी है, IARI में जीनोमिक्स का है, तो IARI में जो हमारा जीनोमिक्स का सेंटर है और उसमें ही ये आज फैसिलिटी बनाई है और जो हमने परियोजना का अंग इनको दिया है भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान को, उसमें ये वर्चुअल क्लासरूम और ये कृषि दीक्षा पोर्टल या चैनल जो आज हम गठित करने जा रहे हैं इनका आपके द्वारा लोकार्पण होगा और ये छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं रहेंगी। इसमें जैसा कि अभी संजय सिंह जी ने बताया, इस तरह का एक उदाहरण है, एक छात्र से मुलाकात की उन्होंने, हमने एक पिछले किसी एक बैठक में आपसे एक उद्घाटन करवाया था एक किताब का और उसमें करीब 500 ऐसे छात्रों के एक्सपीरियंसेस हमने उसमें लिख रखे हैं कि किस तरह से छात्रों को फायदा हुआ है, कहाँ गए, किस एरिया में उन्होंने रिसर्च की है और क्या उनके आगे के प्लान है किस तरह से। तो हम हर चीज को जितने भी हो रहे हैं उसको सबको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छे उत्साहित करने वाले परिणाम हमें हमारे महानिदेशक के निर्देशन में, हमारे सचिव महोदय के निर्देशन में, आप माननीय मंत्री जी के निर्देशन में हमें सब ये अवसर मिला है और हम लोग जो आपके दायित्व हमने दिए हैं उनको हम पूरा करने में कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ISRI से रिक्वेस्ट करना कि इन सुविधाओं का जो माननीय मंत्री जी आज लोकार्पण करेंगे उनके बारे में एक वीडियो प्रस्तुत करें। सौ से अधिक अनुसंधान संस्थानों तथा 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि एवं संबंध विज्ञानों में इस ज्ञान का संरक्षक है। NHEP घटक 2 परियोजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने समस्त भारत में 18 कृषि विश्वविद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना की है। वर्चुअल कक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: उच्च गुणवत्ता वाले वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल, वीडियो भंडारण के लिए त्वरित पहुँच, भौगोलिक अस्थाई और प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता, सरल और सहज एकीकरण क्षमताएं, क्विज और पोल गतिविधियां, सुरक्षा और डेटा गोपनीयता, वीडियो कैप्चर के माध्यम से दिए गए व्याख्यान, किसी भी समय व्याख्यान का उपयोग, सजीव बातचीत एवं इंटरैक्टिव शिक्षण का अनुभव, व्यक्तिगत एवं समावेशी शिक्षण का अनुभव, बुद्धिमत्तापूर्ण सामग्री खोज प्रणाली, वर्चुअल कक्षा एवं एग्री दीक्षा वेब चैनल कृषि मेघ में होस्टेड है। यह एग्री दीक्षा पोर्टल के साथ समाहित होकर आता है जो रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यान शिक्षा सामग्री को छात्रों की एक विस्तृत श्रृंखला तक प्रसारित करने के लिए एक इंटरैक्टिव पोर्टल है। एग्री दीक्षा पोर्टल के सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को उनके संबंधित ईमेल आईडी पर लॉगिन करने हेतु क्रेडेंशियल्स प्राप्त होंगे। उपयोगकर्ता को लॉगिन पृष्ठ में प्राप्त क्रेडेंशियल्स दर्ज कराना होगा। इसके पश्चात उपयोगकर्ता निम्न विकल्पों पर कार्य कर पाएंगे, जैसे वीडियो व्याख्यान बनाना, बुद्धिमत्तापूर्ण सामग्री की खोज एवं वीडियो सामग्री कोष इत्यादि। इसके साथ ही इस पोर्टल में क्विज, YouTube वीडियो प्रस्तुतियों आदियों को व्याख्यान में अंतः स्थापित करना, नेटवर्किंग और LMS प्लेटफॉर्मों का निर्बाध एकीकरण करने की क्षमता भी उपलब्ध है। वर्चुअल कक्षाओं में कृषि उच्च शिक्षा प्रणाली में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को परिवर्तित करने की क्षमता है। संकाय सदस्यों और छात्रों को दूरस्थ रूप से और वस्तुतः संचालित करने में सक्षम करने से ये कक्षाएं कृषि शिक्षा को अधिक सुलभ बनाएंगी और बेहतर शैक्षणिक परिणामों की सुविधा प्रदान करेंगी। सीखने की प्रबंधन प्रणाली में सहज एकीकरण और सर्वश्रेष्ठ इन क्लास बुनियादी ढांचे के प्रावधान के साथ वर्चुअल कक्षाओं को भारतीय कृषि उच्च शिक्षा को विश्व स्तर पर पूर्णतः अधिगम केंद्रित बनाने के लिए ही तैयार किया गया है। दूसरा वीडियो भी एक शूट वीडियो और दिखाएं।
धन्यवाद। ये जो अभी ई पोर्टल का एक छोटा सा दृश्य हमने देखा, इसमें हम लोग माननीय मंत्री जी को मैं बताना उचित समझूंगा कि हमारे जो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं, पीएचडी के हैं, उन सबको हम ई प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास हम लोग ने शुरू कर दिया है और करीब करीब 50-60% हमने कोर्स कवर भी कर दिए हैं। उसको होस्ट करने के लिए हम लोग ये हमारा जो एग्री दीक्षा पोर्टल है उस पर हम होस्ट करेंगे इसको जो है, और उसको सभी छात्रों को हम एक डिस्टेंट मोड में भी, अगर कोई रेगुलर एडमिशन नहीं ले पाता बच्चा तो वो एक डिस्टेंट लर्निंग के द्वारा क्विज वगैरह करके भी इसको इसका प्रयोग में ला सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। मैं अब माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमें अनुमति दें इसका लोकार्पण के लिए। करिए अभी सर 18 और यूनिवर्सिटीज में आप के द्वारा अभी लोकार्पण किया गया है इसका, और सभी वाइस चांसलर्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत बहुत ही शुभ अवसर है कि इतनी बड़ी तादाद में सभी वाइस चांसलर्स ने इस सुविधा के बारे में जानकारी ली और इस सुविधा का एक भरपूर फायदा उठाएंगे। धन्यवाद सर। अंशु म्यूट। अंशु धन्यवाद सर। अन्वेषण केंद्र एवं ड्रोन सुदूर संवेदी प्रयोगशाला के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए अब मैं अंशु ये भी है अब मैं डॉक्टर सुदीप मरवाहा से अनुग्रह करूंगी कि वह बाकी के रिलीज के लिए वीडियो दिखाएं। आईएसआरआई न्यू दिल्ली, सीफे मुंबई, एनडीआरआई करनाल, आईवीआरआई इज्जतनगर, यूएस बैंगलोर, जीबीपीएटी पंतनगर, पीएयू लुधियाना, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, स्कॉस्ट कश्मीर, सीसीएचयू हिसार, सीएसकेएच पीकेवी पालमपुर, पेडवासु लुधियाना, जूनागढ़, एमपीकेवी राहुरी, राजूवास बीकानेर, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी, पीजेटी एसयू हैदराबाद,
हमारी कृषि तकनीकी गांव का एक आम किसान भी समझ पाए। कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज, मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन से जो आ रही हैं, उनको सरल भाषा में किसान को समझाना। लेट मी शो यू द एनलार्ज व्यू ऑफ दिस माइक्रोमीटर। आप अन्वेषण केंद्र एवं ड्रोन सुदूर संवेदी प्रयोगशाला के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को सादर आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, विशिष्ट अतिथि माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला जी एवं श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, विशेष सचिव डेयर एवं सचिव ICAR श्री संजय सिंह जी एवं सभी सम्मानीय अतिथियों को मैं पूषा संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, कृषि में संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए उच्च तकनीकियों जैसे जैव प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एवं डीप लर्निंग आदि विधाओं का प्रयोग नितांत आवश्यक है। इन संसाधनों को इकट्ठा करने में पर्याप्त आर्थिक निवेश की आवश्यकता होती है। अतः हर वैज्ञानिक या छात्र को स्वतंत्र रूप से इन सुविधाओं को मुहैया करा पाना संभव नहीं हो पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत पूषा संस्थान में एक ही छत के नीचे इन सभी संसाधनों को एकत्र कर अन्वेषण केंद्र यानी डिस्कवरी सेंटर के नाम से एक सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस केंद्र में सिर्फ संस्थान से ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न भागों से छात्र और वैज्ञानिक आकर अपना शोध कार्य कर सकते हैं। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा एवं उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर RC अग्रवाल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को चुना है। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत संस्थान द्वारा अब तक 3 वैज्ञानिकों एवं 15 छात्रों को अमेरिका, यूरोप, जापान, मैक्सिको एवं ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा 16 स्वदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 640 छात्रों को पूषा संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह अन्वेषण केंद्र कृषि में गुणवत्तापूर्ण शोध, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप इस अन्वेषण केंद्र का वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन करेंगे। अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के विश्व बैंक प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना NAHEP का उन्नत कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र कास्ट एक छात्र केंद्रित महत्वपूर्ण उपघटक है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को लगभग 20 करोड़ रुपए के साथ जीनोमिक्स सहायक फसल सुधार और प्रबंधन पर एक परियोजना प्रदान की गई है। यह परियोजना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के स्नातकोत्तर छात्रों में जीनोमिक्स शिक्षा एवं कौशल को विकसित करने और जीनोमिक्स के क्षेत्र में पूसा संस्थान के संकाय की विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए है। जीनोमिक्स सहायक फसल सुधार संसाधनों के दक्ष उपयोग, विभिन्न तनावों के प्रति प्रतिरोधकता, फसलों की उपज एवं गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत सहायक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में NAHEP कास्ट परियोजना के तहत
लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से डिस्कवरी सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें जीनोमिक्स प्रयोगशाला, वृहद आंकड़ा विश्लेषण या बिग डेटा एनालिटिक्स प्रयोगशाला और ड्रोन सुदूर संवेदी या ड्रोन रिमोट सेंसिंग प्रयोगशाला शामिल है। फसलों में लगभग 50,000 जीव होते हैं। विकासात्मक और पर्यावरणीय संकेतकों जैसे तनाव सहिष्णुता, पोषण गुणवत्ता इत्यादि हेतु इनके विशिष्ट समूह के व्यक्ति रियल टाइम PCR द्वारा देखी जा सकती है। साथ ही प्रोटीन स्तर पर भी जीन्स की अभिव्यक्ति का अध्ययन करने के लिए 2 आयामी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कार्यरत है। अधिक उपज, उच्च गुणवत्ता, जैविक और अजैविक तनाव सहिष्णुता से जुड़े जीन्स और DNA मार्कर्स अन्वेषण केंद्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस केंद्र में PCR मशीन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल प्रवेक्षण प्रणाली के उपयोग द्वारा जर्म प्लांट की अनुवांशिक शुद्धता तथा DNA विविधताओं के अध्ययन की सुविधा भी है। यह केंद्र जीन संपादन सुविधा युक्त है, जिससे जीन उत्परिवर्तन द्वारा पौधों की पोषण गुणवत्ता तथा जलवायु समृद्धान जैसे गुणों में सुधार किया जा सकता है। गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा विभिन्न वाष्पशील यौगिकों की पहचान की जा सकती है, जो पौधों के उत्पादों को विशिष्ट स्वाद एवं सुगंध देते हैं। इसके द्वारा विभिन्न फसल उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार सकता है। इसके अतिरिक्त इस केंद्र में उपयोगी रोगाणुओं और रोग जनकों की पहचान के लिए प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोप और फेनोटाइपिक फिंगरप्रिंटिंग की सुविधा भी है। ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन वर्तमान समय में विभिन्न कृषि अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह आधारित सुदूर संवेदी के व्यवहारिक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। विभिन्न उच्च रिजोल्यूशन सेंसर के साथ ड्रोन फसल की वृद्धि की स्थिति और स्वास्थ्य की वास्तविक समय में निगरानी के लिए सबसे सटीक समाधान है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश में पहली बार उच्च थ्रूपुट फिनोटाइपिंग के लिए ड्रोन इमेजिंग एवं आंकड़े विश्लेषण का एक मानक प्रोटोकॉल विकसित किया है। साथ ही संस्थान ने स्वदेशी रूप से खेत आधारित यंत्र चालित उपकरण पूसा फिनो मोबाइल के नाम से बनाया है, जो फसलों की स्वचालित इमेजिंग कर सकता है। यह हमें विभिन्न तनावों के लिए जीनोटाइप के अंतर प्रतिक्रिया को समझने में सक्षम बनाता है तथा फसल विकास की स्थिति की परिवर्तनशीलता को भी अंतर्दृष्टि देता है। संस्थान के नानाजी देशमुख प्लांट फिनोमिक सेंटर के अलावा ड्रोन और फिनोमोबाइल आधारित सुदूर संवेदी से बड़ी मात्रा में फसल संबंधित आंकड़े एकत्रित हो रहे हैं। वृहद आंकड़े का विश्लेषण करने हेतु मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। यह छात्रों और युवा शोधकर्ताओं को फिनोमिक्स एवं जीनोमिक्स में स्पीड ब्रीडिंग और परिशुद्ध कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास के लिए सुविधा प्रदान करेगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री और महानिदेशक की अनुग्रह पूर्ण उपस्थिति के शुभ अवसर पर हम श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भारत सरकार से मैनुअल ऑन ड्रोन रिमोट सेंसिंग का विमोचन करने का की आज्ञा चाहते हैं। यह मैनुअल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में NHEP कास्ट कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें ड्रोन आधारित छवि अधिग्रहण और प्रसंस्करण के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर जैसे अग्रिम सेंसर सहित सभी मॉड्यूल सम्मिलित हैं। यह कृषि के लिए अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग में शामिल देश और विदेश के सभी छात्रों के लिए उपयोगी संदर्भ पुस्तिका होगी। माननीय मंत्री जी, कृपया आज्ञा दें। करिए, आगे बढ़ाइए।
धन्यवाद। अब सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा से मेरा विनय पूर्वक आग्रह है कि वे अपनी विशेष टिप्पणी दें। सम्माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कृषि राज्य मंत्री सम्माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, मेरे सहकर्मी श्री संजय सिंह जी, डॉक्टर अग्रवाल जी, डॉक्टर एके सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपतिगण और समस्त वैज्ञानिक गण जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सम्माननीय मंत्री जी का कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर आज इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं हमें उत्साहित करने के लिए। महोदय, आपके मार्गदर्शन में ये एक क्रांतिकारी पदक्षेप है कृषि शिक्षा के जगत में, और जैसे आपने देखे हैं कि किस तरीके से नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे कृषि छात्र छात्राएं जो कृषि और संबंधित क्षेत्र में जो पढ़ रहे हैं उनके इस्तेमाल के लिए ये उपलब्ध होगा, उनको जानकारी मिलेगा और आगे का रिसर्च कृषि क्षेत्र में समृद्ध होगा, उसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है महोदय। और ये जो नाहेप नेशनल एग्रीकल्चरल हाई एजुकेशन प्रोजेक्ट का जो अभी जो चल रहा है इसका क्रियान्वयन और वर्ल्ड बैंक का सहायता तो है ही है, लेकिन भारत सरकार के मुख्य भूमिका है और ये एक बहुत बड़ा पदक्षेप है। हम लोगों ने सारे विश्वविद्यालय को तो इसके लिए सहायता दे नहीं पाए हैं, लेकिन जहां जहां दे पाए हैं और वही सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तहत बाकी छात्र छात्राएं आकर शिक्षा लाभ करेंगे और उससे देश को बहुत फायदा होने वाला है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो आह्वान है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाना, उसका क्रियान्वयन करना और देश के जो नए हमारे कार्यक्रम तय हो रही है, पाठ्यक्रम तय हो रहा है, उसको किस तरीके से हमारे छात्र छात्राओं की तैयारी अपने एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के दिशा में प्रेरित करना है, इसी दिशा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा महोदय। और ज्यादा ना बताते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके जितने आप पिछले 2 साल से हमें जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से ये काफी अत्यंत सफलता पूर्वक हमारे डीडीजी एजुकेशन और सारे हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति सारे बच्चों के पास पहुंच रहे हैं और उसी तरह का शिक्षादान कर दे रहे हैं। कोविड के कारण हमारे काफी समस्या उपजे थे, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारा शिक्षा प्रदान संभव हुआ और सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ है। और ये सारे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, स्मार्ट क्लासरूम के तहत हो, नए फैसिलिटी जैसे डिस्कवरी सेंटर के रूप में हो या ड्रोन के फैसिलिटी के रूप में हो, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा प्रदान मजबूत के साथ कर पाएंगे और आगे जितना जितना हमें पैसा की उपलब्ध होगा उसी हिसाब से सारे विश्वविद्यालय को हम और सहायता दे पाएंगे और इस तरह की सुविधा बना पाएंगे। लेकिन जो बने हैं उसका इस्तेमाल सही ढंग से हो उसका व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। ज्यादा ना बोलते हुए महोदय मैं इतना ही बोलूंगा कि हमारे प्रत्येक पैसा जो भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कृषि के शिक्षा के क्षेत्र में, ये भविष्य के लिए एक फाउंडेशन है, मजबूत फाउंडेशन है और देश का कृषि उज्जवल हो, भविष्य कृषि भविष्य उज्जवल हो, उसी दिशा में ये प्रयास है महोदय।
और आपको आभार व्यक्त करते हैं। सन्मान्य रूपाला जी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी को धन्यवाद देते हैं कि कार्यक्रम में जोड़ पाए हैं, और इस धन्यवाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद महानिदेशक महोदय। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार से मैं अपना संदेश देने का अनुरोध करूंगी। सर म्यूटेड है सर। नमस्कार सभी को, मेरा राम राम। आज के इस स्मार्ट क्लास और डिस्कवरी सेंटर इन टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन का जो बहुत बड़ा प्रयोग हमारे ICR के द्वारा और हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, इसके शुभारंभ के अवसर पर इस काम को अंजाम देने वाले सभी हमारे अधिकारियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। आदरणीय तोमर साहब, आजकल टेक्नोलॉजी का मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा प्रयोग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके नेतृत्व में हो रहा है, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय तोमर साहब, हमारे त्रिलोचन महापात्रा जी, श्रीमान संजय सिंह जी, हमारे अग्रवाल जी जो शिक्षा विभाग को संभाल रहे हैं, और भी जो साथी जुड़े हैं, सभी को इस अवसर पर मैं बधाई दे रहा हूं। ये बड़ा रोमांटिक लग रहा है त्रिलोचन महापात्रा जी कि कोई क्लासरूम में ये स्मार्ट क्लास, हम कभी कभी स्कूल में जाया करते थे और मैं तो शिक्षक भी रहा हूं, तो वो ब्लैक बोर्ड साफ नहीं होता था, वो क्वालिटी कमजोर होने की वजह से बच्चों के साथ झगड़ा होता था और अपना डस्टर ये करके थक जाते थे। उसी की वजह से ये स्मार्ट क्लासरूम का प्रयोग हमारे एग्रीकल्चर शिक्षा का जिम्मा आप ICR के ऊपर है पूरे देश का, और उसी में ये प्रयोग हो रहा है, मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। हम सौभाग्यशाली है कि ये सारी चीजें हमारे कार्यकाल में हमारे तोमर साहब के नेतृत्व में हमें उसका साक्षी बनने का मौका मिला। साहब, इसका जो भी हमें हमारी समझ में आ रहा है वो तो उसका वर्णन करने का अभी ये आज का कार्यक्रम ये समय नहीं है, तो सबको साधुवाद देते हुए मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि अभी अभी ये वैसे तो ये वर्चुअल क्लासरूम और ये वर्चुअल मीटिंग एक कोरोना की बाय प्रोडक्ट थी, मगर मुझे लग रहा है कि अब ये परमानेंट हो जाएगी सर। ये व्यवस्थाएं परमानेंट की दिशा में जा रही है सर, ये सर। बहुत बड़ा अच्छा संकेत कुछ ऐसी महामारी के बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा। दूसरा, ये साहब हम जब भी चर्चा में होते हैं तो ऐप हमारे विभाग में कितने ऐप बने हैं, कितने बनने को है और कितने आगे बनेंगे। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म्स जो है कि हम जूम के माध्यम से जुड़ते हैं और एक दो माध्यम के नाम मेरे को स्मरण में है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। अब हमारे ICR को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जब आप इस टेक्नोलॉजी का अवतरण ऐसे डिस्कवरी सेंटर, स्मार्ट क्लास, एग्री दीक्षा ऐसे बिंदुओं को लेकर कर रहे हैं, तो क्या हम अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम मिल सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं तो कम से कम हमारे विभाग की ही हम बैठक कर सके, इस प्रकार का कोई टेक्निकल प्लेटफॉर्म
क्या हमारा हम खड़ा कर सकते हैं और ये हो जाएगा तो ये भी हमारे लिए एक सिद्धि का होगा। और इसको भी आप ये सारे जो अपने कृषि मेघ करके अपना टेक्निकल जो अपना दायरा है उसमें ये लक्ष्य को रखे कि अब हमारा ही प्लेटफॉर्म हो और हम ही अपने प्लेटफॉर्म से बातचीत करें, उस दिशा में हमें जाना चाहिए। ऐप का सर्जन के लिए हम बाहर के रिसोर्सेस का उपयोग करते हैं। हमारे इस कार्यक्रमों को हमें अब उसी दिशा में ले जाना चाहिए और हमारे स्टूडेंटों को प्रोजेक्ट के रूप में ये देना चाहिए कि वो ऐप मैन्युफैक्चरर बने। आप बोल रहे थे कि हमें जितनी आर्थिक सहायता के प्रमाण में हम और यूनिवर्सिटियों में और इसका व्याप और बढ़ाने में सक्षम बनेंगे, ये मैं आपकी इस बात के साथ सहमत हूँ कि ये सारे जितना व्याप बढ़ाना होगा तो उसमें फिनेंशियल असिस्टेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। और मैं तोमर साहब से भी विनती करूंगा कि इसमें और भी आपको सहायता करने के लिए वो डिसीजन लेंगे जरूर पड़ने पर। मगर मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इसी टेक्नोलॉजी में से आर्थिक उपार्जन की भी कोई दिशा हमें ढूंढ निकालनी चाहिए। ये इसमें से हम कैसे, हम ही ऐप मैन्युफैक्चरर बने, हम ड्रोन मैन्युफैक्चरर बने, हम ये स्मार्ट क्लास के मैन्युफैक्चरर बने, हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए काबिल बने, ये हमारी जो हमारे संसाधन है अब हम इनको जैसे किसानों की आय को सेंटर में लाते ही हमारी पॉलिसियां सारी चेंज हो गई और आज हम सारी चीजों में किसान की आय को सेंट्रल में रखते हुए पॉलिसियां बना रहे। तो ऐसे आपके ICR के माध्यम से हमारे पास जो भी संसाधन है, आपके पास बहुत कम संसाधन नहीं है, आपके पास साइंटिस्टों की बड़ी फौज है, आपके पास लेबोरेटरियां बहुत ही इंटरनेशनल कक्षा की है, हमारे पास फैकल्टीज है और ये स्मार्ट क्लास और इनके माध्यम से देश के कृषि विद्यार्थियों को इतना बड़ा फायदा होने वाला है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा और जिनके पास से कुछ सीखना ये गौरव की बात होती है, इन सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका बेनिफिट हम पूरे देश के छात्रों को दे सकते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से मैं मान रहा हूं। तो इन सारी चीजों में से कोई ऐसा एक मॉड्यूल भी आप ढूंढ निकालो आप, ताकि वहीं से हम आर्थिक उपार्जन की दिशा में भी ये हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे ज्ञान का उपयोग करते हुए हमारी संस्था को हम आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ा पाए। इन संसाधनों के उपयोग से इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास नहीं, मुझे श्रद्धा भी है। आज के इस पावन अवसर पर पुनश्च मैं हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी उनको देता हूँ। और त्रिलोचन महापात्रा जी, आपके और अग्रवाल जी के नेतृत्व में इस बहुत ही टेक्नोलॉजी का समय के अनुरूप, युग के हमारी जो जरूरत है उसके अनुरूप इसमें आगे बढ़ रहे हो, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। ICR द्वारा अपने स्वयं की ऑनलाइन मीटिंग ऐप बनाने के आपके दिए सुझाव पर हम अवश्य कार्य करने का प्रयास करेंगे। अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कृषि एवं कल्याण ग्रामीण विकास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि वह हमें संबोधित कर प्रेरित करें। सभी को नमस्कार। आज के इस लास्टमई मौके पर हम सबके मध्य उपस्थित हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और सचिव बेयर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी,
डॉक्टर अग्रवाल जी, डॉक्टर ए के सिंह जी इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हमारे कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, वैज्ञानिक गण, प्रोफेसर्स और विद्यार्थी भाइयों बहनों और आईसीआर परिवार के सभी संस्थानों के अधिकारीगण, आज के इस मौके पर मैं आप सबके मध्य जुड़कर बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। आज डिस्कवरी सेंटर और वर्चुअल क्लासरूम का लोकार्पण है। इस मौके पर इस पूरी विधा को मूर्त रूप देने के लिए डॉक्टर महापात्रा जी के नेतृत्व में संपूर्ण आईसीआर की टीम और कृषि शिक्षा जगत से जुड़े सभी महानुभावों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि की अर्थव्यवस्था हमारी रीढ़ है। इस अर्थव्यवस्था ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी प्रासंगिकता को हमेशा सिद्ध किया है। कृषि आगे बढ़े, उन्नत कृषि हो, किसान की आमदनी बढ़े, भविष्य की पीढ़ियां कृषि की ओर आकर्षित हों, कृषि उत्पादन का प्रोसेसिंग होकर रोजगार के अवसर सृजित करने का एक सशक्त माध्यम बने, कृषि उत्पादों का निर्यात दुनिया में हम बढ़ा सकें, कृषक को वाजिब दाम दिला सकें, ये सब जिम्मेवारियां आज भारत सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर हैं। लेकिन जब सरकारें काम करती हैं तो विभिन्न योजनाएं बनती हैं, उनका क्रियान्वयन होता है, वो गांव तक पहुंचती हैं, उसका लाभ किसान को और खेती को होता है। लेकिन इसी दिशा में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये नहीं होंगी तो हमारी कोई भी योजना कारगर ढंग से नीचे तक लाभप्रद नहीं हो सकती। वो दो हैं, एक तो अनुसंधान और दूसरा कृषि की शिक्षा। हम सब सौभाग्यशाली भी हैं और गौरवान्वित भी हैं कि रिसर्च की दृष्टि से उषा संस्थान, हमारे अनेक विश्वविद्यालय केबीके, इन सब के माध्यम से हमारे साइंटिस्ट लगातार रिसर्च में लगे हुए हैं और उसका जो परिमाण आपका उसका लाभ कृषि के क्षेत्र को मिल रहा है और कृषक के जीवन स्तर में बदलाव लाने में हम उस दिशा में निश्चित रूप से सफल हो रहे हैं। कृषि की शिक्षा यह भी महत्वपूर्ण घटक है और मुख्य रूप से जो कुछ शिक्षा है जवाबदारी तो एक तौर से सीधी हम लोगों पर ही आती है। क्योंकि आईसीआर का या उच्च शिक्षा विभाग जिस त्वरित गति से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना निश्चित रूप से कमी है। पिछले बार हम लोग जब मिले थे उस समय कृषि मेघ का लोकार्पण हुआ था और लगातार एक के बाद एक नया आयाम इस दिशा में जुड़ता जा रहा है। संजय सिंह जी अभी J&K का एक उदाहरण बता रहे थे, माननीय रूपाला जी ने भी अपनी बात कही तो उन्होंने भी इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि चाहे वो हमारा
अनुसंधान हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे कृषि विभाग की और अन्य योजनाएं हो, उनको डिजिटल रूप में हम कैसे जनता के साथ जोड़ सकते हैं, अपने काम की गति बढ़ा सकते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कम समय में अधिक काम कर सकते हैं, ये इस दिशा में निश्चित रूप से जो प्रयत्न है वो प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय है। यह सच है कि कोविड का संकट आया तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा। आज हम अगर वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हैं तो मैं समझता हूँ कोविड संकट के कारण ही ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी जो हमेशा कहते रहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, तो कोविड महामारी आई तो हमने उसको अवसर में बदलने का प्रयास किया और आज मुझे खुशी है कि शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से और किसान के स्वयं के परिश्रम के माध्यम से हमारा कोई भी काम काज रुका है ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन टेक्नोलॉजी यह जरूरी भी है और इसको निरंतरित करना हमारे लिए आवश्यक भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सिलेबस है, उस पर तो काम किया ही जाता है, हमारी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उस पर काम करने वाले लोग उस दिशा में बच्चों को शिक्षा देते ही हैं। लेकिन हम सबके मन में रहता है कि हमारे बच्चों को और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। अब हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में उतनी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए मानव संसाधन जुटाया जाए यह निश्चित रूप से कठिन भी होता है। जो मानव संसाधन हमारे पास है अगर वो फील्ड में जाएं और वहाँ बच्चों को पढ़ाएं और उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, पूरा साल गुजरेगा और काम मुट्ठी भरी हो पाएगा। लेकिन वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से उषा संस्थान में ही बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, नेशनल इंटरनेशनल किसी भी प्रकार के ख्याति प्राप्त विद्वान का मार्गदर्शन शिक्षा की दृष्टि से हम एक बार में ही पूरे देश में अपने बच्चों को उससे रूबरू करा सकते। इससे समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और ज़्यादा काम किया जा सकता है। इस दिशा में हमारे ये दोनों कार्यक्रम आने वाले कल में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमारा ICAR की टीम लगातार इस दिशा में चिंतित भी है, प्रयत्नशील भी है और ICAR की ख्याति और बढ़े। ICAR देश में कृषि के सामने विद्यमान चुनौतियों का मुकाबला और ताकत से कर सके, परिणाम दे सके, देश के GDP में कृषि का योगदान बढ़ सके, किसान के जीवन स्तर में बदलाव आ सके और कृषि शिक्षा के माध्यम से भी कृषि को लाभ हो और नई पीढ़ी भी कृषि की ओर आकर्षित हो, इस दिशा में ICAR प्रयत्न भी करता रहता है और प्रयत्न के परिणाम भी हम सबके सामने परिलक्षित होते रहते हैं। आज यह अच्छा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ, मैं इस अवसर पर हमारे पूरे देश से जुड़े हुए सभी विद्वानों को, विद्यार्थियों को और ICAR परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रूपाला जी ने कुछ टिप्स हम सब लोगों को दिए हैं,
मैं समझता हूँ हमारे टेक्निकल लोग उस दिशा विचार करेंगे तो एक बड़ा नया आयाम और हम स्थापित करने में सफल होंगे। उस दिशा में जरूर हम मिल बैठकर विचार करें और इस अवसर पर मैं महापात्रा जी को जरूर अनुरोध करना चाहता हूँ कि ICR की भी इच्छा है, भारत सरकार की भी इच्छा है, हमारी और आपकी भी इच्छा है। हम लोग समय समय पर बात करते रहें। हमारा पूरा संस्थान जो है यह आने वाले कल में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बने, इसकी तैयारी की दृष्टि से कुछ काम ICR में हुआ है और मैं समझता हूँ उसको और तेजी के साथ बढ़ाने की आवश्यकता है और मई माह में कोई एक दिन निश्चित करके ICR की टीम के साथ मैं भी बैठना चाहूँगा कि हम साल भर में उस दिशा में क्या कर पा रहे हैं और आने वाले कल में क्या रोड मैप है, जिस कितने दिन में हम इस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में हम सब लोग मिलकर जरूर सोचें। इस अवसर पर ICR परिवार और सभी उपस्थित सज्जनों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। आपके प्रेरणादायक शब्द हमारे लिए नई तकनीक एवं उसके सकारात्मक प्रयोग उपयोग के दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अवश्य प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम के अंत में मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निदेशक भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से उनका धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निवेदन करती हूं। आप सभी को नमस्कार। इस ऐतिहासिक अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस दिन को भारत में कृषि शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी की उपस्थिति उस महत्व का प्रतिबिंब है जो राष्ट्रीय कृषि शिक्षा के लिए ICR की प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है। माननीय, हम आपकी उपस्थिति से उत्साहित एवं प्रेरित हैं। मैं ICR, IARI, ISRI, NAHEP की ओर से और अपने स्वयं की ओर से इस समारोह में सम्मिलित होने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दी गई डिजिटल कृषि शिक्षा की परिकल्पना को समर्थित सभा के साथ साझा करने एवं वर्चुअल क्लासरूम, कृषि दीक्षा चैनल, अन्वेषण केंद्र का उद्घाटन करने एवं आपके मार्गदर्शन आशीर्वचन के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अपने सशक्त नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए मैं सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं समय समय पर फ्रेश एंड फ्रेग्रेंट टिप्स हमेशा हमारे लिए बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा रही है। श्री संजय कुमार सिंह जी, अतिरिक्त सचिव डेयर एवं सचिव ICR, उप महानिदेशक शिक्षा और राष्ट्रीय निदेशक NAHEP डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी, उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर तिलक राज शर्मा जी का भी उनके अंथक समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी आमंत्रित अतिथियों और अन्य सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस आयोजन में ऑनलाइन जुड़कर हमारा उत्साह बढ़ाया है। आपकी ऑनलाइन उपस्थिति हमें अपने प्रयासों के प्रति अधिक आश्वस्त महसूस कराती है। इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए मैं NAHEP घटक 2 के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर प्रभात कुमार, IRI की टीम लेड बाय डायरेक्टर IRI एवं ISRI की पूरी परियोजना टीम का उनके अथक प्रयासों, कड़ी मेहनत, समर्पण और धैर्य के लिए हृदय की गहराई से सराहना करता हूं एवं उन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को वैश्विक महामारी COVID-19 की चुनौतियों का सामना करते हुए भी यह कार्य पूरा किया। मैं उन सभी साथियों का भी आभारी हूं जो इस आयोजन में किसी न किसी लॉजिस्टिक प्रबंधन से शामिल रहे हैं। अंत में मैं आप सभी के सुरक्षित और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। इन्हीं के साथ जय हिंद। अब मैं समारोह समापन के लिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहता हूं।
कैसा है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, बहुत 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 धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम। धन्यवाद सारे कुलपति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आपका भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन सर, आपको भी कांग्रेचुलेशन। आपके निर्देशन में इतना बड़ा कार्य हुआ है, इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया सर, आपको बहुत बहुत बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद विलन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद जी, थैंक यू सर। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई सबको, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आई एम प्रसाद हियर सर, थैंक यू सो मच फॉर द। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक साहब नमस्कार, बहुत प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे भाई ठीक हूँ, थैंक यू। संदीप जी बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सभी ठीक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, अभी ठीक है। बहुत बहुत बधाई अग्रवाल साहब, थैंक यू सर, सेम टू यू सर, आपको भी बहुत बहुत। नमस्कार डॉक्टर साहब।